हेलो हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। चलो बेटा, प्रेयर स्टार्ट करो। के हाँ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ओके। तो चलो, आज के दिन की शुरुआत हम एक अच्छी प्रेयर के साथ की, बराबर है? तो हम अल्लाह गॉड से प्रे करेंगे कि हम सबके जीवन में अच्छी तंदुरुस्ती हो अपने शरीर में, और सबके जीवन में नई नई रोज खुशियां आए, है ना? तो चलो आज हम शुरू करते हैं हमारा लेसन नंबर दुमदुमा गांव के बच्चे। दुमदुमा गांव के बच्चे जो चैप्टर है, वह उसका मैंने कल आप सबको सार कह दिया था, बराबर है ना? सबने समझा था ना सार लेसन नंबर 12 का? हेलो बॉयज, कि दुमदुमा गांव यस था, मैम। उसमें हमेशा पानी की कमी रहती थी, खेत भी सूख जाते थे, लोग हैरान परेशान होते थे, लेकिन कोई कुछ उपाय नहीं कर सकता था। तो बाद में आपके जैसे नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे जो है ना, उसने आइडियाज करके गांव के बाहर एक बड़ा सा तालाब बनाया। और जब बच्चे ये तालाब खोद रहे थे, तब गांव के लोग भी साथ में आकर उसकी हेल्प करने लगे और एक बड़ा सा तालाब बना लिया। तो जब बारिश आई तो सारा तालाब, पूरा तालाब जो है वो पानी से भर जाता है। और बाद में वो पानी भर जाता है तो सभी लोग एकदम खुश खुश हो जाते हैं। बाद में खेतों की पानी से वो सिंचाई भी होने लगी, और तालाब में पानी भर जाने से बच्चे वहां पर खेल भी सकते थे, पानी में नहा भी सकते थे, और पूरे गांव को वो पानी का फायदा होने लगा, बराबर है? ये हमने कल समझा था। तो चलो आज हम इस पूरे लेसन को देखते हैं कि बच्चे जो है ना, उसमें बहुत शक्ति होती है, अपार शक्ति होती है, क्षमता भी होती है कि वो जो करने की लगन मन में पैदा कर ले ना, तो वो करके ही रहते हैं। यदि आप छोटे हैं तो ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे कुछ कर नहीं सकते, लेकिन छोटे बच्चे यदि ठान ले तो वो कुछ भी कर सकते हैं, बराबर है? तो बच्चों में अपार क्षमता होती है और उनमें स्वयं कुछ करने की लगन पैदा करना आवश्यक है। यदि कोई उससे कुछ लगन पैदा करे कि ना तुम ये कर सकते हो, तुम करोगे ही, तुम्हें करना है, तो वो बच्चे जरूर करेंगे, बराबर है? तो प्रस्तुत कहानी में भी दुमदुमा गांव के लोगों की परेशानी दूर करने के लिए बच्चों ने मिलजुल कर किस प्रकार काम किया, यह इस लेसन में हमें बताया गया है। तो बच्चे इस कहानी से प्रेरित होकर कक्षा, विद्यालय और गांव की समस्या का हल ढूंढने में जागरूक होते हैं और कार्य भी करेंगे। तो यह दुमदुमा गांव है, यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती थी और खेत सूख जाते, लोग परेशान रहते, पर कोई उपाय नहीं कर पाते थे। तो बच्चे पानी में खेलना चाहते थे, तैरना चाहते थे, पर पानी ही नहीं था तो कहाँ पर खेलते। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए, सब एक साथ हुए। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची कि कोई तो उपाय करना ही है, हमें पानी की कमी तो दूर करनी ही है। मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा, रोज बरसो, बिल्लू बोला। बिल्लू नाम का लड़का था, वो क्या बोलता है कि मैं बादल से प्रे करूंगा कि तुम रोज बरसो, तभी
ताकि हमारे गांव में पानी आ जाए। बादल रोज तो कैसे बरस सकते हैं, महिमा बोली। महिमा नाम की लड़की क्या कहती है कि बादल कैसे रोज बरस सकते हैं। तब फिर क्या हो, सब सोचने लगे क्यों ना एक बड़ा सा खड्डा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। रजिया बोली। एक रजिया नाम की लड़की थी ना, उसने आइडिया किया कि क्यों ना हम एक बड़ा सा खड्डा खोदे और जिसमें बारिश का पानी भर जाए। हाँ हाँ यही ठीक है, सारे बच्चे बोल उठते हैं। फिर बच्चे लाए फावड़े, कड़ाही, कुदाले और तसले। वे जमीन खोदते रहे, मिट्टी ढोते रहे, यानी ढोने का मतलब होता है निकालना, उठाना, उठाकर उसे एक जगह से दूसरी जगह रखना। ढोने का मतलब क्या होता है? हेलो, ढोते का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह रखना। गड्ढे का मतलब होता है खाडो। तो फावड़े का मतलब होता है पावड़ो। आपड़े तमे बधाई જોયું હશે કે આ બધાય જે હમણા ગેસ લાઇન નાખવા આવ્યા છે તો એ બધાય કેવા પાવડો ને કુદાળી ને એવા બધાય એના સાધનો લઈને આવે છે બધું ખોદવા માટે, બરાબર છે? તો આ લોકો પણ, બાળકો પણ ફાવડે, કડાહી, કુદાલે ઓર તસલે, યાની કે કુદાલે કા મતલબ હોતા હે કોદાળી, તસલે કા મતલબ હોતા હે તગારણ, ઓર કડાહી કા મતલબ હોતા હે ઉસે ભરને કા સાધન। वे जमीन खोदते रहे, मिट्टी ढोते रहे, बाहर फेंकते रहे। बच्चों को काम करते हुए देखकर गांव वालों ने देखा, वे भी बच्चों के साथ काम करने में जुट जाना, यानी कि जुड़ जाना। जुट जाने का मतलब होता है जुड़ जाना। इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब। बरसात में उस तालाब में पानी भरा और पानी से खेतों की सिंचाई हुई और खेतों में मक्का और धान लहलाए, यानी कि खेत में जो उगाया था वो मक्का और धान, धान का मतलब होता है डांगर, डांगर यानी कि चावल। लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपाछप खूब नहाए, यानी कि इस वर्ष बारिश आने से सभी बच्चों ने जो गड्ढा खोदा था वो पूरा खड्डा पानी से भर जाता है, तो बारिश के मौसम में बच्चे सब उसमें खूब जी भर के नहाने लगे। तो ऐसे ही सब गांव वाले और बच्चे दोनों खुश खुशहाल हो गए, क्योंकि गांव वालों को खेतों को पानी मिलने लगा, जिनसे उनके पाक जो थे, उन्हें जो उगाया था वह सब ने अच्छी फसल आई। तो इनसे गांव वाले भी खुश हुए और बच्चे भी खुश हुए, क्योंकि उसे नहाने और खेलने के लिए पानी मिल गया। तो ये था दुमदुमा गांव के बच्चे। तो चलो, सबको समझ में आ गया ये लेसन बेटा? हेलो, यस मैम। ओके, तो शब्दार्थ में है प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब है उपासना, विनंती। पानी, पानी का मतलब है जल, नीर और वारी। कमी यानी कि अभाव, परेशान यानी कि दुख, व्याकुल। उपाय यानी कि युक्ति, तरकीब। बारिश यानी कि वर्षा, बरसात। धान यानी कि अन्न, चावल। यहाँ पर अभ्यास के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं कि आपके गांव या शहर में पानी के कौन कौन से स्रोत हैं। तो हमारे गांव में या शहर में कुआ, नदी, तालाब, चेक डैम आदि पानी के स्रोत हैं। नंबर दो, हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। चलो, इसका जवाब आपको देना है। हाँ मैम, मैं दो परियारी मोहम्मद शफीक। हाँ चलो बेटा दो।
हम पानी का उपयोग रसोई में करते हैं, फिर नहाने में करते हैं, फिर कपड़ा धोने में करते हैं, फिर बर्तन धोने में करते हैं। वेरी गुड। और कहाँ कहाँ पर होता है? अच्छा, घर भी वो पानी से साफ करते हैं। यस। चलो, और कौन बताएगा? हम घर या बाहर कहीं पर भी हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? वेरी मैम, पानी पीने में भी पानी का उपयोग होता है। गुड। चलो, और कौन बताएगा? अरमान। मैं झाड़ू उगाते हैं ना, उसमें भी उपयोग होता है पानी का। बगीचे में भी हम पानी डालते हैं पेड़ों में। उपयोग हाँ, बोल नहीं चलो। पानी का रसोई में करते हैं, फिर बर्तन में करते हैं, कपड़े धोने में करते हैं, और फिर पानी पीने में करते हैं, और पानी हमारी जीवन दान है। यस, वेरी गुड। ओके, और चलो, कौन बताएगा? मैं बताऊं, यस, आपका नाम बेटा? मुसानी मोहम्मद के पानी हाँ, चलो बताओ। का उपयोग हाथ धोने में करते हैं, नहाने के लिए करते हैं, ओके, चलो, अब और कोई बताएगा? हेलो। हाँ, चलो, और कौन बताएगा? हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? पानी हमारे जीवन का अमूल्य है, हेलो जीवन हेलो। के आंसर। हेलो, चलो मैं बता देती हूँ, बराबर है? हम पानी का उपयोग पूरे दिन में, हमें पानी के बिना नहीं चलता है, बराबर है? सब खाना, बिल्कुल एक दिन खाना ना मिले तो चलेगा, लेकिन पानी तो, पानी के बगैर नहीं चलेगा। तो पानी हमें नहाने में, रसोई में, कपड़े धोने में, पीने में, हर काम में हम पानी का उपयोग करते हैं। हम पानी में का उपयोग पूरे दिन करते हैं, और साथ साथ खेतों की सिंचाई में पानी का उपयोग होता है, कारखाने में, फैक्ट्रीज में, ऑल ओवर सभी जगह पर पानी का उपयोग होता है ना? कोई भी काम जो है वो पानी के बिना नहीं हो सकता है। तो सभी जगह पर पानी का उपयोग होता है। वैसे ही हम देखें तो पानी हमारा जीवन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है कि पानी हमारा जीवन है, पानी का अपयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि उसका दुरुपयोग। अपयोग का मतलब होता है दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब बताएं कि लोग पानी का अपयोग कैसे करते हैं, यानी कि उसका दुरुपयोग कैसे करते हैं? आप सब भी करते होंगे ना, घर पर वॉश बेसिन में आप सब हाथ धोने जाते हैं, बाद में नल या तो खुला छोड़ देते हैं या तो कई देर तक पानी दुरुपयोग करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमने हाथ धो लिए बस इना, अब पानी का नल हम जो है वो ठीक से बंद कर दें, तो नल चालू रखकर भी हम कई बार इधर उधर चले जाते हैं। और कई बार तो कई लोग कैसा करते हैं, कई सब जगह पर लिखा होता है कि
यदि बाहर कोई पानी का आप सबने देखा होगा ना कि पानी का पियाव होता है, तो वहां पर क्या करते हैं लोग, पीने के पानी से भी हाथ पैर धोने लगते हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए नहीं, नहीं चालू रख कर भी हमें कहीं इधर उधर चले जाना चाहिए नहीं, और पीने का योग्य पानी से ही हम योग्य उपयोग करना चाहिए, नहीं कि पीने का पानी का दुरुपयोग करना चाहिए। क्योंकि पीने के पानी का बहुत ही कमी होती है इसलिए। और कई कई पशुपालक भी क्या करते हैं कि पीने के पानी से पशुओं को नहलाते हैं, या जीप ट्रैक्टर आदि सब पीने के पानी से ही धोते रहते हैं। और टपकते नल जो होते हैं ना, आप सबने देखा होगा कि हमारे घर में भी कई बार नल बिगड़ जाते हैं, पानी का टपकना शुरू होता है, लेकिन फिर भी हम नल बदलते नहीं हैं। तो हमें नल तुरंत ही बदल लेने चाहिए और पानी को रोकना चाहिए, बराबर है, क्योंकि जल ही हमारा जीवन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, पानी का अपव्यय न हो इसके हेतु आप क्या क्या कर सकेंगे। तो अपव्यय का मतलब आपको पता चला ना कि क्या होता है, यानी दुरुपयोग। तो पानी का दुरुपयोग न हो इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो जहां पर पीने लायक पानी होता वहां पर हम लिखेंगे, सूचनाएं लिखेंगे कि जलाशयों पर, यहाँ पर पीने का पानी है इसका उपयोग करें। किसका माइक अनम्यूट है, म्यूट कर दो। चलो टपकते नल जो है वो मैं बंद करवाऊंगा और पीने के योग्य पानी का जरूरत के मुताबिक ही उपयोग करूंगा। पानी का दुरुपयोग बंद करने के लिए लोगों को समझाऊंगा, बराबर है। आपने कई बार देखा होगा कि ये जो पानी के टैंकर है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह पानी देने के लिए जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा पानी तो नल वो जो होता है उसका पीछे वो ठीक ना होने से कितने पानी तो ऐसे ही चला जाता है, ऐसे ही उसका दुरुपयोग हो जाता है। तो हम जहाँ कहीं भी देखे पानी का दुरुपयोग, तो वहां पर लोगों को समझाएंगे कि इसे दुरुपयोग न करें, बराबर है। तो सबको ये चारों क्वेश्चन जो है वो ठीक से समझ में आ गए बेटा। हेलो बॉयज, हेलो। यस मैम। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2, छात्रों को अपने गांव या शहर के नजदीक आई हुई जल परियोजना, चेक डैम या खेत तालाब की मुलाकात करवाए। तो मुलाकात के बाद छात्रों ने जो देखा उसकी कक्षा में चर्चा और लेखन करवाए। लेकिन अभी तो हमारी स्कूल बंद है, आप सभी नहीं आ सकते, तो ये सब मुमकिन नहीं है, बराबर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इकाई में आए शब्द नीचे दिए गए कोष्टक में छिपे हुए हैं, तो उन्हें ढूंढिए और सर्कल कीजिए। जैसे कि यहाँ पर पहला शब्द हमें एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, लहलहा ए। तो ये शब्द जो है ये यहाँ पर हमें फर्स्ट शब्द दिया गया है। बाद में है भरना, देखो यहाँ पर लेसन में दिए हुए ही शब्द है भरना, बराबर। बाद में हमें दिखाई दे रहा है कड़ाही, जो इधर है कड़ाही। इसके बाद इसके नीचे यदि हम देखें लास्ट लाइन में, तो वह है छपा छप। इसके बाद देखें तो इसके थोड़े ही ऊपर जाए तो वहां पर है नहाना। और इसके ऊपर थोड़े ही जाए तो वहां पर है प्रार्थना। और इधर देखे फर्स्ट लाइन में तो है बरसात, उसके बाजू में देखे तो है बाहर।
चलो अब आप में से किसी को दिख रहा है शब्द, इतने मैंने दिखाए, चलो अब एक को, एक दो आपको दिखाने हैं। हेलो बॉयज, हेलो किसी को दिखाई दे रहे शब्द? यस मैम। हाँ चलो बताओ कौन सी लाइन में कौन सा शब्द दिखाई दे रहा है। मैम मैं बोलू मैम, दुमदुमा। वेरी गुड, लास्ट लाइन में है दुमदुमा। यस चलो और और किसी को दिखाई दे रहे हैं शब्द? यहाँ पर है तैरना, बराबर है मैम? बादल मिला। बादल कौन सी लाइन में है, कहाँ पर है? ये लेफ्ट बाजू की सेकंड लाइन में। वेरी गुड, बादल बराबर। तो चलो सबको मिले सभी शब्द। कलम भी मिला। क्या कलम? कलम कहाँ पर है? हमें यहाँ पर लास्ट में लाइन में, लाइन जो हमारी इस लेसन में हो ना वही शब्द हमें चूज करने हैं। ओके शायद हो गए हैं सभी शब्द अभी। तो किसी को दिखाई दे रहा है? मैं मुझको तो घुचवाड़ा लगता है। घुचवाड़ा लगता है ना, इसलिए आप सबके पास जब टेक्स्ट बुक आ जाए ना तभी आप सबको करके दिखाना है। ओके ओके चलो। यस मैम। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि न शब्द नहीं सॉरी वर्ण दिए गए हैं, यानी कि न शा प रो छ पा नी। तो ये सब शब्द हमें जो दिए गए हैं इनसे हमें और शब्द बनाने हैं। यस बेटा, आपने जो वो पहले बताया था ना ये, उसमें हमको छप्पा छप्पी मिला था। हाँ वेरी गुड, लाइन में हाँ था, वेरी गुड। ओके तो यहाँ पर पहला शब्द हमें दिया गया है छ, तो उसके बाजू में आएगा छ, बाद में यहाँ पर है जो तो यहाँ पर आएगा छ पा छ प। पहले में क्या आएगा? छ पा छ प, बाद में जो ये लास्ट शब्द यहाँ प आएगा तो उसके नीचे बनेगा प रे शा न, बराबर है। इसके बाद है ज नी न, और ज के ऊपर आएगा रो। यस बेटा, मैम ये लिखने का है? नहीं बेटा अभी आपको नहीं लिखना है, मैं आपको जब पीडीएफ सेंड करूँ ना तब। हाँ बेटा, तो सबको समझ में आ गया बेटा? ओके चलो, तो यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है,
तो चित्र के आधार पर हमें वाक्य बनाने हैं। तो चलो आप में से कोई वाक्य बना सकेंगे कि ये दृश्य कहाँ का दृश्य है, इसमें क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, कितने घर दिखाई दे रहे हैं, कितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं, कितने पक्षी। मैं बताऊं? यस, आपका नाम मेरा बताओ। मैम ये गांव का चित्र है, फिर गांव में सब लोग कपड़े धो रहे हैं, फिर खेती में सब खेती में एक भाई किसान हल चला रहे हैं, हल चला रहा है, फिर सब बच्चे खेल रहे हैं, फिर चार पांच छह घर है, फिर एक पेड़ है, फिर पांच पांच कबूतर है, दो पेड़ है, फिर सूरज दादा निकलते हैं। वेरी गुड। फिर सूरज दादा कब निकलते हैं? तो ये कब का दृश्य हुआ? सुबह का। यस, तो इसकी शुरुआत हम ऐसे कर सकते हैं कि ये दृश्य एक गांव का दृश्य है। यहाँ पर हमें सुबह का समय दिख रहा है, सूरज जो है वो निकल रहा है और खुले आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। यहाँ पर हमें दूर कुछ पेड़ और घर दिखाई दे रहे हैं, साथ में एक मंदिर भी दिख रहा है। मैदान में दो लड़के जो है वो गेंद से खेल रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है ना ये जो लड़के yes. खेल रहे हैं वो यहाँ पर? यस मैम, यस, फुटबॉल बॉल से खेलते। यस, और तालाब के किनारे दो स्त्रियां जो है वो कपड़े धो रही है। दिखाई दे रही है? मैम पानी में कमल भी है। यस, और पानी में कमल भी है, और तालाब के किनारे और कुछ बच्चे भी खड़े हुए हैं। और बाजू में देखे तो वहां पर हमें खेत के पास एक लड़का खड़ा दिखाई दे रहा है। यस मैम, खेत में किसान है जो हल चला रहा है, और किसान के पास दो बैल है, वो दो बैलों से खेत हल खींच रहे हैं। तो सबको ये सुबह का दृश्य समझ में आ गया बेटा? यस मैम, बराबर है। चलो तो इसके बाद अब एक कहानी आती है। तो इस कहानी में मेंढक और सांप की कहानी है। तो यहाँ पर हमें एक तालाब दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर? देखो पहले चित्र में तो एक तालाब था, उसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे। मेंढक जैसे कि आप सबने देखे होंगे, देखे हैं ना मेंढक को? यस मैम, हाँ, जिससे हम गुजराती में मेंढका कहते हैं, बराबर है। तो वहां पर बहुत सारे मेंढक रहते थे। तो तालाब के किनारे एक बरगद का पेड़ था, तो उसकी जड़ में एक बिल था। बिल का मतलब होता है दर, आपने जेने कही शके ने कि सांप नो दर होतो। उसमें एक सांप रहता था। सांप रोज रोज किसी न किसी मेंढक को पकड़कर खा जाता था। तो मेंढक जो है सब परेशान हो उठते थे। एक दिन उन्होंने आपस में मिलकर एक उपाय सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि दूसरे दिन एक मेंढक जो है वो बिल के सामने खड़ा रहता है और बाकी सब मेंढक जो है वो बिल के आसपास छुप जाते हैं। तो जैसे ही सांप ने उस मेंढक को पकड़ने के लिए बाहर निकला,
वैसे ही छिपे हुए सारे मेंढक निकल आए और सांप को पकड़कर खींचने लगे। बाद में सांप घबरा जाता है और वह पकड़े हुए मेंढक को छोड़कर भाग जाता है और अपने घर में घुस जाता है। बाद में मेंढकों की खुशी का तो ठिकाना ना रहा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सचमुच संगठन में ही शक्ति है, यानी एकता में बल है। यानी कि यदि हम सब हम कैसे भी हो लेकिन हम सब एक हो जाए तो हम किसी भी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। क्योंकि सांप जो है वो बहुत जहरीला होता है और बहुत खतरनाक होता है, उसके मुकाबले मेंढक जो है वो एकदम से शांत होते हैं। लेकिन वह सब एक बन गए तो उस